विशाल अंथवाल ब्लॉग्स एक बार फिर से हाजिर है अपनी जिंदगी के कुछ हसीन लम्हों के साथ। ना 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 अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस में क्या पसंद है, तो आप लोग बोलते हो मेरे व्लॉग्स के स्टार्टिंग के एक दो मिनट, जिसमें मैं कन्फेशन करता हूँ या मोटिवेशनल बातें बोलता हूँ, जैसे कि मुश्किलें सो आ भी जाएं, हौसलों से सवारी है, खुदा भी पूछे राज क्या, कुछ ऐसी अपनी यारी है। इस कहानी की आवाज में पर रूह तो तुम्हारी है, खुदा भी पूछे राज क्या, कुछ ऐसी अपनी यारी है। मैं ये नहीं जानता कि कहाँ पहुंचूंगा मैं अपने सपनों के साथ, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये सपने ही हैं जो देंगे हमेशा मेरा साथ। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। ऊपर वाले ने एक ही तो जिंदगी दी है मुझे, अब आया हूँ तो कुछ बड़ा करके ही जाऊंगा। क्योंकि गली बॉय ने कहा था कि मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हम, तो न जाने कहां तक पहुंच पाते हम। फॉर मी Traveling means to explore, learn and live, to struggle, to fight the hindrances, to overcome the problems, to accept the failure, to work hard, to be passionate so as to reach the destination, to enjoy the victory. और ये वो बातें जो अक्सर मैं खुद से किया करता हूँ, मेरी दिल की बातें। लेकिन यहाँ पे आपको एक कड़वा सच बताऊं, हम लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो हमें ऑलरेडी पता होता है, या जो हम सुनना चाहते हैं, या वो बातें जो हमारे फेवर में हो। हम लोग अपने अंदर की कमियों को और गलतियों को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं। मेरे ब्लॉग्स में और क्या पसंद है आपको? मेरी आवाज। वो कहते हैं ना, लेकिन कहते हैं ना, क्योंकि किसी महान इंसान ने कभी कहा था, क्योंकि मेरे डैड ने मुझसे एक दिन कहा, किसी महान आदमी ने कभी कहा था, लेकिन मेरा पैशन मुझसे कहता है देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा, कुछ पल बुरे हैं जिंदगी नहीं, सबर रखो सब होगा। आप लोग मेरे कंटेंट को बहुत अप्रिशिएट करते हो, और शुड आई से द वे आई प्रेजेंट इट। मैं एक सिंपल एडिटर यूज करता हूँ और लिमिटेड गैजेट्स, मेरे पास तो DSLR भी नहीं है। ट्रांजिशंस और सिनेमैटिक्स मेरे व्लॉग्स में बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। आपको पता है जो गैजेट्स और एडिटिंग होती है ना, दैट रिवॉल्व्स अराउंड योर कंटेंट। मेरा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जब आप मेरी वीडियोस देखें तो आपको ऐसा लगे कि आप मेरे साथ हो। स्टोरी टेलिंग में अगर दम नहीं है ना, तो आपकी महंगी एसेसरीज किसी काम की नहीं है। 2 महीने से ऊपर हो गया है और लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग घर पे हैं, हम सब नहीं। पता है मैं 2 चीजों से बहुत डरता हूँ, मौत और गरीबी। हम सब जीना चाहते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, है ना। अगर 15 से 25 की उम्र वाले मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं ना, तो आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि देखो यार, पैशन अपनी जगह है, खेलना कूदना मस्ती करना सब चलता है, लेकिन पढ़ाई करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। और इसी पढ़ाई के रीजन से मैं YouTube पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। कभी कभी तो मैं 3 से 4 महीने का ब्रेक ले लेता हूँ। आपको तो पता है मुझे व्लॉगिंग कितनी पसंद है, लेकिन क्या करें, पढ़ाई सच में बहुत जरूरी है। अगर अभी आप अपने घर पे हो, खाने के लिए खाना है, एंटरटेनमेंट के लिए फोन है, बात करने के लिए घर वाले हैं, तो अभी अपनी आंखें बंद करो और ऊपर वाले को थैंक यू बोलो, अपनी फैमिली को थैंक यू बोलो। वी आर ब्लेस्ड विद व्हाट वी हैव। मेरा लॉकडाउन बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन मैं 7 बार बकाडी को वॉक पे ले जाता हूँ। बकाडी मेरे 1.5 साल का यार, इसकी भोली सी सूरत पे मत जाना, बहुत शैतान है, पता नहीं इतना सुसु ये लाता कहाँ से है। क्या तुझे इतनी सी भी खबर, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। हट जा, हट हट गंदे कुत्ते, हट।
इस लॉकडाउन हर कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है और सबसे ज्यादा मजा हमें आया टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर टिकटॉक पे लड़कों के मुजरा करने पे मिलियन व्यूज आते हैं ना, तो ये याद रखना कि यूट्यूब पे जेसीबी की खुदाई भी हमने देखी है। इसका ये मतलब नहीं मैं टिकटॉक को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो ऐप है ना और इसका कॉन्टेंट, ये हमारी जनरेशन को एक बहुत गलत डायरेक्शन पे लेके जा रहा है। बहुत ही ओवररेटेड ऐप है, ओवररेटेड क्रिएटर्स है जो कि अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइटल और थंबनेल तो कंटेंट से मैच ही नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी, मैं क्लिकबेट कभी नहीं करता हूं। आप जो कंटेंट देखने के लिए आए हैं ना, आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि जो अभी आपने 5 मिनट देखे ना, उसको शूट और एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। अभी तक विशाल इंफा व्लॉग्स के अराउंड 7-8 मीटअप्स हो गए, जिनमें से 2-3 मीटअप की तो वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी है, बाकी की नहीं करी क्योंकि हर टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, व्लॉग नहीं करता हूँ। तो ऐसा होता है कि जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वो बुरा मान जाता है कि विशाल भाई ने फोटोज तो क्लिक कराई थी, छोटी छोटी क्लिप्स तो बनाई थी, लेकिन उसे अपने व्लॉग में दिखाया नहीं। तो मैंने सोचा है अब जो आप कॉन्टेंट देखोगे, मतलब आपको ड्यूक वर्सेस बुलेट का वो रिवर क्रॉसिंग वाला वीडियो तो लास्ट में दिखी गई, लेकिन जो अब आप वीडियो देखने वाले हो उसमें ऐसा होगा कि जो मेरे छोटे छोटे मीटअप्स रहना गाइस, तो जितने लोगों से मैं वहां मिला हूं, इंटरेक्शन किया, उसको मैं एक प्यारे से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगा, जिससे विशाल अंफल व्लॉग्स फैमिली के जितने मेंबर्स आए हैं मुझसे मिलने अभी तक, वो सब उसमें कवर हो जाए। क्या हो गया मुस्कान? और भाई तुम्हें क्या हुआ, ये देखना जरा भैया जी स्माइल। अगर उस समय पर लोग सपोर्ट कर देना थोड़े तुम्हारे वाले में लोग, यहाँ भाई तू करते रहे पूरा, भाई अपना टाइम ब्लॉग्स को देता, इतने अच्छे ब्लॉग्स दिखाता। अब भाई बोल रहे बीएबी का मीटअप और इधर प्रमोशन, ऐसा नहीं है, जो बंदा मेहनत करता है वो दिखता है और उसे अप्रिशिएट करेंगे तो अच्छी बात है ना, इसलिए आप लोग भी अप्रिशिएट करना, वीडियो जरूर है, मेरे को पता है बाली वाला ब्लॉग लेट होगा। बहुत थैंक यू सो मच ब्रदर, चलो चलते हैं। डी लॉगिंग हमारे साथ, डी लॉगिंग में विशाल अंशवा जुड़े हैं काफी। भाई मुझसे दिल्ली से मिलता है, थैंक्स फॉर भैया। ओके भाई, दुनिया के लिए कोई भी हो, निखिल मुंबई का, मुंबई का निखिल, मेरे के लिए भाई बहुत सही इंसान है। भाई तुम इंसान अच्छे हो, ब्लॉगर बाद में, तुम इंसान अच्छे हो, बस ऐसे ही रहना। विशाल भाई आ रहे थे तो हम लोग जा रहे थे विशाल भाई के, विशाल भाई से मिलने और विशाल भाई के मीटअप में, और अच्छी खासी बारिश हो रही है अभी प्रेमनगर में, प्रेमनगर से निकल रहा था। चलो मिलते हैं आज वहाँ पे विशाल भाई के साथ। एक्चुअली यार इतनी बारिश होने के बावजूद भी अभी हम KTM के शोरूम के पास आ चुके थे, 4:30 बजे ही आ गया, जो मीटअप 5 बजे का था। देखो यार विशाल भाई से मिल लेगा, इतना मेरे को बोलते ना अंदर से हो रहा था कि विशाल भाई से मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आगे भी जा रहे हैं, अंदर अभी 2:30 बज रहे, अभी विशाल भाई 1.5 घंटे बाद आएंगे। चलो तब तक वेट करते यार। मेरी वीडियोस और मुझे इतना प्यार मिलेगा कभी सोचा नहीं था। जो छोड़ गया तू बिना शुक्र, देख करता है कोई उसकी कितनी कदर, हाँ कितनी कदर। सर उठा लो। हाँ उठा लो। जिम 4 दिन से बॉडी बना ली भयंकर। भाई सब पीछे रहना, मैं सबसे आगे चलूंगा, ठीक है? आगे निकल के दिखा देना। वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विशाल अंतवाल एंड माय चैनल इज बेस्ड ऑन ट्रैवल व्लॉग्स, मोटो व्लॉग्स एंड माय लाइफस्टाइल। ये बिना बात, बहुत टाइम बाद राइड पे जा रहा हूं मैं अपने ग्रुप के साथ, शिवांश भाई या आयुष भाई। अरे सुनो तो आयुष भाई, तुम्हारा बर्थडे था ना और तुमने मुझे पार्टी नहीं दी, तो चलो अब तुम्हें एक्सपोज करते हैं। अरे एक वीडियो तो बना लो। फोटो खींचो, फोटो फोटो नहीं खींचा रही सर।
ओए पागल है चूतिया, अबे चूतिया गए पागल हो गया चले। Everything, fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. बहुत बड़ा रिस्क है वापस कैसे आएगी फिर बाइक जा तो लीगी वापस कैसे आएगी तुम लोग तो कूदना पड़ेगा और कुछ नहीं अब मैं तो उसके टायर के बराबर हूं कहां संभाल पाऊंगा इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करने वालों और उनकी मेहनत की कदर ज़रूर करना। आपका एक सपोर्ट उन्हें अपने ख्वाबों पर विश्वास दिलाएगा। एक सपना ये भी है मेरा, रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं।